आज इस सेशन में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग जो है आज का जो टॉपिक है. कल हम इससे पहले जो क्लास था उसमें हमने एंटी साइकोटिक ड्रग्स किए थे. अभी हम मूड स्टेबलाइजर्स करेंगे. मूड स्टेबलाइजर को एंटी मैरिक भी बोलते हैं. सॉरी, एंटीमैरिक. ओके, मूड स्टेबलाइजर का मतलब होता है, ये क्या करता है, मूड को स्टेबल करने में हेल्प करता है. जब भी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ पहले. मूड स्टेबलाइजर आर द साइकोट्रॉपिक ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट मूड डिसऑर्डर्स. एग्जाम्पल में लिख सकते हो बाइपोलर डिजीज, बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर स्किज़ोफ्रेनिया. बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर स्किज़ोफ्रेनिया. ओके, डेफिनेशन है मूड स्टेबलाइजर आर द साइकोट्रॉपिक ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट मूड डिसऑर्डर्स. जितने भी मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, फोबिया से हो गया, सॉरी, जितने भी मूड डिसऑर्डर्स हैं जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन है, मैनियक है, हाइपोमैनियक है, डिस्थीमिया है या फिर स्किज़ोफ्रेनिया है, ये सारा अगर आपको ट्रीट करना है तो आप क्या दे सकते हैं, मूड स्टेबलाइजर दे सकते हैं. तो ये हो गया मूड स्टेबलाइजर का डेफिनेशन. इसके बाद है एग्जाम्पल. मूड स्टेबलाइजर का एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो लिथियम. लिथियम का डोसेज जो होता है वो 600 टू 1800 mg पर डे. और इसके अलावा आप सोडियम वैल्पोरेट भी यूज़ कर सकते हैं. इसका डोज रहता है 21 है, 600 टू 2100 mg पर डे और ये सोडियम वैल्पोरेट जो है वो 600 टू 2800 mg पर डे है. ओके, तो कहीं भी अगर आपसे कहीं भी एग्जांपल्स पूछा जाता है या फिर नॉर्मली पूछा जाता है कि अगर किसी एक पेशेंट को लिथियम दे रहे हैं तो मतलब लिथियम का क्लासिफिकेशन वगैरह अगर पूछते हैं ड्रग किस में आता है, क्या आता है, तो आप बता सकते हो कि लिथियम क्या है, मूड स्टेबलाइजर है. ठीक है, एंटी मैरिक में आता है. इसके बाद हम इंडिकेशंस पढ़ेंगे. इंडिकेशंस में ज़्यादा नहीं है, मूड डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा कॉमन है बाइपोलर. तो इंडिकेशन में सबसे पहले है बाइपोलर. बाइपोलर मैंने आपको पहले ही बताया है, बाइपोलर में डिप्रेशन और मेनिया दोनों ही होता है. कोई भी एक मतलब अब जब कभी एकदम से शांत, कभी एकदम से हाइपर एक्टिव, तो इन दोनों को स्टेबलाइज़ करने के लिए, इन दोनों का जो इन दोनों की वजह से जो मूड पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ को स्टेबलाइज़ करने के लिए हम क्या देते हैं, मूड स्टेबलाइज़र देते हैं. यहाँ पे बाइपोलर हो गया, फिर डिप्रेशन हो गया, मैनिया हो गया, हाइपोमैनिया, स्किज़ोफ्रेनिया,
स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ये कुछ इंडिकेशंस हैं कि किन किन लोगों को हम मूड स्टेबलाइज़र देते हैं। ओके, इसके बाद हम साइड इफ़ेक्ट्स करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स आप जब भी लिखते हो तो यहाँ पे मतलब सिंपल भी लिख सकते हो, बट अगर आप एग्ज़ाम वगैरह में लिख रहे हो तो आप सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट लिखते ही ऑटोनोमस लिखा करो, ऑटोनोमस का मतलब कि जो कि इनवॉलेंट्री हो रहा है, जो पता नहीं है, कॉन्शियस कंट्रोल्ड नहीं है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, ड्राई माउथ, फिर कॉन्स्टिपेशन, ये कुछ ऑटोनोमस इफेक्ट में आ जाते हैं। उसके बाद है उसके बाद सीएनएस में आ जाते हैं सीजर्स, अगर मूड स्टेबलाइजर का साइड इफेक्ट पड़ रहा है सीएनएस पे तो वो क्या होगा, सीजर्स, जो भी पर्सन है उसको सीजर आने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपका मूड स्टेबलाइजर हो गया। मूड स्टेबलाइजर में हमने डेफिनेशन कर लिया। डेफिनेशन में ये है कि मूड स्टेबलाइजर जो होता है वो साइकोट्रॉपिक ड्रग है जो कि किसको ट्रीट करने में यूज़ होता है, मूड डिसऑर्डर को या फिर बाइपोलर, स्पेशली हम इसे यूज़ करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। और उसके बाद फिर हमने इसके एग्जांपल्स पढ़े, लिथियम और सोडियम वेलप्रोएट, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बट ये टू कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसलिए मैंने करवा दिया। नेक्स्ट हमने साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ा, ऑटोनोमस में इंडिकेशन में हमने देखा कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है या फिर डिप्रेशन है, किसी को मेनिया है, हम उन लोगों को ये देते हैं। उसके बाद हमने साइड इफ़ेक्ट्स किए, साइड इफ़ेक्ट्स में ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन और सीएनएस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है मूड स्टेबलाइजर का तो क्या होता है, सीजर आने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो मूड स्टेबलाइजर अपना ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम लोग करेंगे एंग्जायटिक और हिप्नोसेडेटिव ड्रग्स। एंग्जायटिक, हिप्नोसेडेटिव, एंग्जायटिक, हिप्नोसेडेटिव जो है इसका मोस्ट कॉमन नेम क्या है, एंटी एंजाइटी। हिप्नोसेडेटिव और एंग्जायटिक, एंटी एंजाइटी, इसके जो एग्जांपल्स हैं ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन है एंटी एंजाइटी जो है वो भी एक साइकोट्रॉपिक ड्रग है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, बस मैं बोल रही हूँ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है जो कि किस में यूज़ होता है, जब भी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है या फिर फोबिया है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है या बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक पड़ रहा है, तो इन सारी चीज़ों में जो यूज़ होता है उस ड्रग को हम बोलते हैं एंटी एंजाइटी। इसका क्लासिफिकेशन मैं बताती हूँ, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है बारबिट्यूरेट्स, नेक्स्ट है नॉन बारबिट्यूरेट,
उसके बाद है बेंजोडाइजापैन, और लास्ट है ट्रैंक्यूलाइजर्स। तो ये कुछ एंटी एंजाइटी के क्लासिफिकेशंस हैं, बारबिट्यूरेट्स, नॉन बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजापाइन और ट्रैंक्यूलाइजर्स। इसके बाद हम इंडिकेशंस करेंगे कि किन किन लोगों को हम एंजाइटी एंटी एंजाइटी ड्रग देते हैं। इंडिकेशंस, सबसे पहले तो एंजाइटी वाले पेशेंट, इंडिकेशन में सबसे पहले एंजाइटी, उसके बाद फोबिया, पैनिक अटैक, हिप्नोसिडेटिव्स जो है वो हम सिडेट करने के लिए भी देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए भी देते हैं। तो जब किसी को इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती है, तो भी हम उसे हिप्नोसिडेटिव देते हैं, इंसोम्निया। ये इंडिकेशंस हैं एंजाइटी, फोबिया, पैनिक अटैक, इंसोम्निया। नेक्स्ट है कंट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि कौन कौन से पेशेंट को हमें नहीं देना, मतलब मना होता है। इंडिकेशन मतलब किसको देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किसे नहीं देना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में है जिसको हेपेटिक प्रॉब्लम्स हो, हेपेटिक डिसऑर्डर्स जिसे भी हो, या फिर मतलब CNS में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर रीनल में कोई प्रॉब्लम, किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो, रीनल डिसऑर्डर्स। इन ये कुछ तीन मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, हेपेटिक डिसऑर्डर, CNS प्रॉब्लम्स और रीनल डिसऑर्डर। इन कुछ लोगों को हम एंटी एंजाइटी जो है वो नहीं देते हैं, इसके अलावा हम और लोगों को दे सकते हैं। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स, साइड इफेक्ट में सबसे पहले है ऑटोनोमस, सिम्टम्स, सिस्टम, सॉरी, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, लो बीपी मतलब हाइपोटेंशन, और कुछ मेजर मतलब माइनर केसेस में देखा गया है ग्लॉकोमा भी होने के चांसेस रहते हैं। ये एक आई का डिसऑर्डर है, ग्लॉकोमा। नेक्स्ट है CNS पे कंफ्यूजन, सीजर, उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक सिम्टम्स जो हैं वो मैं बता देती हूँ। एलर्जीज में क्या होता है, इस चीज़ से एलर्जी होने के बाद बहुत लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, और स्किन रैशेस भी हो जाते हैं। तो ये था साइड इफ़ेक्ट। अभी आज हमने दो ड्रग्स कर लिए क्लासिफिकेशन, पहला था मूड स्टेबलाइजर, सेकंड है एंटी एनजाइटी। एंटी एनजाइटी का हमने डेफिनेशन किया कि ये ऐसा साइकोट्रॉपिक ड्रग है जो कि एनजाइटी को, फोबियाज को, पैनिक अटैक को, या फिर बॉडी को काम करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद हमने इसके क्लासिफिकेशंस किए, बारबिट्यूरेट्स, नॉन बारबिट्यूरेट्स, ट्रैंक्यूलाइजर्स और बेंजोडाइजापैन। फिर उसके बाद इंडिकेशंस किया, इंडिकेशंस के बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस,
जिसमें हम रीनल डिसऑर्डर्स वाले लोगों को या हेपेटिक या फिर CNS प्रॉब्लम वाले लोगों को हम एंटी एनजाइटी नहीं देते हैं। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स में ऑटोनोमस में सबसे पहले होता है ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, लो BP का प्रॉब्लम हो जाता है और ग्लॉकोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद CNS में सीजर्स और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लास्ट एलर्जीज़ में जॉइंडिस या फिर स्किन रैशेज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखें और जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।